मोकैप स्टोरी सेट टू। ये किस्सा जुड़ा हुआ है रणबीर कपूर की लाइफ से, जो कि आज एक वेल नोन यानी कि जाने माने अभिनेता हैं। जिस वक्त वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, तो उनके कॉलेज में बाहर से एक एमिनेंट पर्सनैलिटी आए, यानी कि एक विख्यात शख्सियत के इंसान आए, जिनका नाम था परेश रावल। परेश रावल बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स के, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स के ऑथर रहे हैं, यानी लेखक रहे हैं। और वो एक लेक्चर के लिए, एक व्याख्यान के लिए उस कॉलेज में आए थे, और उनका उस दिन का विषय था सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक बुराइयाँ। अपने कॉलेज के दौरान रणवीर सिंह सोशल इश्यूज को लेकर, यानी कि सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी सेंसिटिव थे, यानी संवेदनशील थे। इसलिए वो इस लेक्चर को लेकर काफी एक्साइटेड थे, यानी कि काफी उत्साहित थे। परेश रावल ने सबसे पहले बहुत सारे सोशल इविल्स के बारे में सभी विद्यार्थियों को बताया, जैसे कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए हत्या, डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, करप्शन, भ्रष्टाचार और ड्रग एडिक्शन, इस तरह के और कई सारे सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयों का परेश रावल ने जिक्र किया, मेंशन किया। रणबीर कपूर पूरी क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता के साथ लेक्चर सुन रहे थे, तो उन्होंने परेश रावल से पूछा कि इन सब की मुख्य वजह क्या है, रूट कोज क्या है। तो परेश रावल ने जवाब दिया कि इन सब की रूट कोज है इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता। ड्यू टू इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता की वजह से लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। रणबीर कपूर ने पूरी उत्सुकता से एक और प्रश्न पूछा कि क्या किया जाए कि ये सारी सोशल इविल्स को जड़ से इरेडिकेट किया जा सके, यानी कि सफाया किया जा सके, मिटाया जा सके। परेश रावल ने बताया कि इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर, एक बिग स्केल पर अवेयरनेस कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, यानी कि जागरूकता अभियान चलाने होंगे, और वो भी खास तौर पर रूरल एरियाज में, स्पेशली गांव के इलाकों में जहां शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, जहां एजुकेशन की पहुंच बहुत सीमित है। उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान वीमेन एम्पावरमेंट को भी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बताया, यानी कि नारी सशक्तिकरण भी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर घर की महिला एजुकेटेड यानी कि शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगी। उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा कि या तो लोगों को और खास तौर पर महिलाओं को एजुकेट करो, वरना अदरवाइज तैयार हो जाओ बी रेडी कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस को फेस करने के लिए, महाप्रलयकारी नतीजों को झेलने के लिए, उनका सामना करने के लिए। इतनी जरूरी जानकारी यानी कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए रणबीर कपूर ने परेश रावल को धन्यवाद किया और उनसे ये वादा किया कि वो उनके इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और अपनी तरफ से समाज में लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे।